दोस्तों, स्वागत है आपका नेटिंग एंड क्रिएशन चैनल पर। आज मैं आपको ये आसन बताऊंगी। ये देखिए, ये डिब्बे जो बनती हैं, ये अलग अलग बना के सिलाई करके इसको बनाते हैं। ये अलग बना के बताऊंगी। और ये झल्लर अलग लगाई है मैंने, देखिए आपको ये अलग अलग बना के बताऊंगी। फिर आपको किसी भी ऊन से बना सकती हैं, ऊन से या मैं आपको ये बताऊंगी। ये खाने पहले आप ये दो फंदे डालें। ये मैंने दो ही फंदे डाले। अब दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाएंगे। ये फंदा बढ़ाने का तरीका, जैसे ये दो फंदे इस सलाई में इस तरीके से ये लपेट लें, वो फंदा बढ़ गया। ये बिना जाली के फंदा बढ़ जाता है। दोनों तरफ से इसी तरीके से बढ़ाते जाएं। देखिए ये 10 फंदे हो गए। मैं आपको ये छोटा बता रही हूँ, आप इसको जैसे बड़ा बड़ा बनाएं तो ये फंदे एक एक बढ़ाते बढ़ाते ऐसे 20 फंदे बना लें, तो ये डिब्बी जो खाना सा है ये बड़ा हो जाएगा, तो आपका ये बड़ा बन जाएगा। अभी मैं 10 में बता रही हूँ छोटे। इस तरीके से बढ़ाएं एक एक फंदा, इसी तरीके से घटाएंगे एक एक दोनों तरफ से। ये डिब्बी सी बन जाएगी। ये 10 फंदे की डिब्बी में छोटी बता रही हूँ आपको, आप बड़ा बनाएं तो ये ये देखिए ये डिब्बी सी बन गई है। यहाँ मैंने एक फंदा डाला था, एक एक बढ़ा के दोनों तरफ ये 10 फंदे हो गए, फिर एक एक घटाया, फिर जी एक फंदा रह गया। ऐसे ही हम इसी तरीके से एक और बनाएंगे, इसी में ये जोड़े रखेंगे, एक फंदा बनाए बनाए बन इसके बल में, फिर दूसरा बढ़ाते जाएंगे
एक एक बंदा फिर से, फिर ऐसी ये दूसरी तैयार हो जाएगी, इसी में इसी तरीके से बंदे बढ़ा लें। देखिए ये मैंने बना दी अलग अलग डिब्बी सी, इसी तरीके से हम सेम ऐसी एक और बनाएंगे दो खाने की। ये दोनों देखिए ये अलग अलग डिब्बी बन जाती हैं, जैसे मैंने ये बना ली ऐसी ये दो बनानी है, ये दो बना ली है मैंने। आप इसको जैसे बड़ा आसान बनाने के लिए ये डिब्बी इसी तरीके से बड़ी बड़ी बना लें, क्यों ये मैंने 10 10 बंदे की बनाई है यहाँ पे, आप 20 की बना लें तो बड़ी बड़ी बन जाएंगी, 30 की बना लें तो और बड़ा बन जाएगा आपका आसान। और इसी तरीके से ये दूसरा कलर की बनाते हैं, ये मैंने एक फंदा डाल के बढ़ाई थी और फिर घटाई थी, इसमें एक ये बताइए इसमें पहले से 10 फंदे डालें वो घटा के ये एक हो गया, और फिर इसी तरीके से जो जो बनाया था इसी तरीके से फिर बढ़ाएं फिर घटाएं और फिर बढ़ाएं और फिर ये 10 एक साथ घटा दिए, ये ऐसे ही अलग अलग जुड़ती है। इसको या इसको ऐसे रख लें या इसको ऊपर रख लें, इसी तरीके से बनता है आसन। ये आपको मैं तरीका बता रही हूँ, बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से बना लें, वो ये गोल आ जाता है, ये सिलाई होती है अलग से, और ये मैंने ये अलग से, और ये भी बनता है, ये मैंने 10 फंदे डाले, 10 फंदे डाल के ये भी बना लिया है। ये इस तरीके से ये खाने अलग अलग सब जुड़ जाते हैं, जैसे एक खाना और बनाएंगे हम वो इधर लग जाएगा, जैसे मैंने ये बनाया है 10 फंदे डाले और इधर अपने हिसाब से जितने फंदे ये बनाए इस इतने ये डालें, सो ये खाना कवर कर लेता है, ये सिल जाता है इसी तरीके से, गोल हो जाता है सिल के बंद। फिर इसके ऊपर झल्लर बनाएंगे, झल्लर लगा के अलग से जोड़ देंगे, मैं आपको झल्लर बनाना बताऊंगी। देखिए ये छोटी झल्लर बताऊंगी आपको, ये भी मैंने 10 फंदे डाले, ये हम 8 फंदे उल्टे बुन लेंगे पहले, ये मैंने 8 फंदे बुन लिए, ये 6 फंदे ले लिए, 2 जरे, ये 8 फंदे की बताऊंगी। और ये यहाँ आग धागा आगे करके एक जाली डालेंगे, जाली पे फंदा बढ़ाते जाएंगे और ये सादा बुन लेंगे, एक फंदा सिलाई में आ जाता है और जाली वाला फंदा बढ़ जाता है। पीछे से उल्टे निकालेंगे, साइड वाला फंदा एक ही तरफ से बुने और एक तरफ से उतारते जाएं। ये फंदा पहले मैंने जाली पे बढ़ाया था, इसको सीधा बुनेंगे धागा पीछे करके, फिर दूसरी जाली इसी पर डालेंगे, बार बार एक ही इसी पर डालनी है। उल्टे 6 फंदे लिए तो 6 ही सलाई हम निकालेंगे, ये गिन लें, ये 6 6 गांठ हो जाए, फिर इसको एक साथ घटाएंगे, ये जाली वाले फंदे जो बढ़ते हैं इसको हम सीधा करते जाते हैं, फिर जाली डालेंगे ऐसी, ये 3 जाली हो गई हैं, हमें ये 6 जाली डालेंगे तो 6 फंदे हो जाएंगे।
ये देखिए ये 6 जाली डल गई, ये 6 फंदे बढ़ गए, मैंने 10 डाले थे अब 16 हो गए, ये 6 फंदे बढ़ गए और ये 8 है। अब हम इनको, ये 6 सलाई हो गई है, अब इनको एक साथ घटा देंगे, ये 6 फंदे उल्टे, ये देखिए इस तरीके से। ये मैंने 6 फंदे एक साथ घटा दिए, अब ये उल्टे कर लेंगे, जो सीधे फंदे बढ़ाए थे अब इनको हम ये उल्टे कर लेंगे, और ये मैंने 6 फंदे फिर उल्टे कर लिए इसी तरीके से। ये फिर 6 सलाई हो जाएं तो फिर इनको एक साथ घटा दें, यहाँ 6 सलाई ये जाली पे बढ़ जाएंगी, इस जाली इसी फंदे सलाई पर डालनी है लगातार एक ही बार इसी पे। ये ध्यान रखें जो जाली पे फंदा पड़ता है इस किसको हम सीधे करते जाएं, जैसे मैंने ये सीधे किए, ऐसे ये फंदा पहले डाली थी ये बढ़ गया, ये सीधा हो जाएगा और दूसरा डालें, ये जाली वाले बढ़ते जाते हैं वो सीधे होते जाएंगे। इसी तरीके से आप जैसे जितना बड़ा बनाए, इतना बड़ा आसन बनाए उसी हिसाब से नाप के झल्लर बना लें इतनी बड़ी। देखिए इसी तरीके से अब ये फिर 6 सलाई हो गई, ये 6 फंदे बढ़ गए जाली पे, अब इनको हम फिर एक साथ घटाएंगे इसी तरीके से आप बनाते जाएं। ये 6 फंदे एक साथ घट गए, अब ये सीधे फंदे इनको हम उल्टा कर लेंगे, ये 6 फंदे उल्टे हो गए। देखिए इसी तरीके से बनाए, ये 2 डिजाइन बन गई और ये नाप के हम ऐसे ही बनाएंगे और इसको गुलाई में सिल देंगे जी, इसी प्रकार का आ जाएगा जैसे जी जी मैं जी आया है। ये देखो जो मैंने जी सिलाई की है उल्टी तरफ से, और ये जाली है, ये जाली इसी तरीके से पड़ रही है देखिए।